ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों को इस घटना से किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं है। घटना पर सरकार, हमने आपने सुना होगा कि हमने कहा कि सरकार अभी वक्तव्य देने को तैयार है, उस पर वो अपनी राय भी कुछ रख सकते थे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे इसीलिए कि इस पर चर्चा हो, और सरकार जब उस घटना की चर्चा करना चाहती है तो वो सुनना सुनने को तैयार है, न सदन चलने देंगे। ये तो अपने आप में प्रमाण है जो इनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी संकट की घड़ी में भी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ही इनकी प्राथमिकता रहती है, ये तो स्पष्ट है। आज सदन ने देखा है, उस सदन में अभी हमने कहा, वहाँ भी तैयार नहीं हुए, और क्या क्या करने लगे, मेज उलटने लगे, कुर्सियाँ फेंकने लगे। ये समझिए, कोई तनाव की स्थिति में शांति का संदेश देगा क्या? पूरे सदन में अराजक माहौल बना के बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ भी हमने कहा, अंत में आप लोगों को भी मिल जाएगा कि सरकार ने आसन की इजाज़त से सरकार को जो चीज़ें रखनी थी सदन के माध्यम से जनता के लिए, उसको सदन पटल पर रख दिया गया है आसन की इजाज़त से, इसलिए अब वो सदन के माध्यम से सार्वजनिक जनता के बीच में जानी है, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। इसलिए ये आप, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार पारदर्शी तरीके से पूरे घटना का विवरण देने को तैयार है, और मुख्यमंत्री जी सहित सरकार ने अनेक समय में पर ये स्पष्ट किया है कि उपद्रवकारी चाहे जो भी हो, जिस पक्ष के हो, बख्शे नहीं जाएंगे। और हमने तो मीडिया से लेके लोगों से भी इसमें मदद मांगी है कि जिनको भी कोई पक्की सूचना हो, कोई पक्का मतलब सबूत हो, जो कोई आदमी इस गड़बड़ी फैलाने में शामिल रहा है उसको दीजिए, सरकार निश्चित रूप से वैसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और ऐसी कार्रवाई करेगी कि आगे भी कोई इस तरह की हरकत करने की हिमाकत न कर सके, ऐसी कार्रवाई सरकार पकड़ा रहे हैं, और जानकारी तो आप देख रहे हैं। और सबसे दुखद पक्ष है, आप ही लोग विजुअल दिखाते हैं, आपने देखा होगा कि कैसे 15 से 20 साल से 25-30 साल के लोग रहते हैं। अब आप समझिए, इस नौजवान होती पीढ़ी के दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर कौन घोल रहा है, मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी प्रभावित हो रही है। तो इस तरह की साजिश ये जो है एक तरह से समाज के खिलाफ है, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए।